वेलकम बैक एवरी वन आई एम रवि फ्रॉम ब्रेन मेंटर्स सो दिस वीडियो इज द लास्ट पार्ट ऑफ अवर एच टी एम एल सीरीज इन माई प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू अबाउट एच टी एम एल फॉर फॉर्म एलिमेंट्स प्लस टेबल तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने टेबल को कवर किया था प्लस हम लोगों ने फॉर्म के कुछ टैग्स लेबल टैग्स एट्रीब्यूट लाइक टाइप इज ईक्ल्स टू टेक्स टाइप इज इक्वल्स टू पासवर्ड जैसी चीज़ों को कवर किया था इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फॉर्म एलिमेंट्स सो फर्स्ट वील बी लुकिंग फॉर सम्रॉप डाउन काइंड ऑफ थिंग लाइक अगर आप किसी वेबसाइट पर फेसबुक या ट्विटर जैसी वेबसाइट पर कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन करते हो इफ यू वॉन्ट टू सेलेक्ट यूर कंट्री ऑर सिटी डेट ऑफ बर्थ देन देर इज अच इज नोन एज अ कॉम्बो बॉक्स सो इफ आई सेव ऑप्शन हेयर सेलेक्ट कंट्री एंड इन दिस आई है इसके लिए हम लोगों के पास एक सेलेक्ट टैग नाम से ये टैग अवेलेबल है जिसके अंदर नेम एंड आईडी आप पास कर सकते हो नेम एट्रीब्यूट की बात हम करेंगे लेटर राइट नाउ इफ यू वॉन्ट टू पास आई डी सो दैट आप इसको लेबल के साथ अगर बाइंड करना चाहते हो इफ दिस थिंग इज इन साइड लेबल देन वी कैन यूज आई डी इफ नॉट देन जस्ट रिमूव दिस आई डी नाउ इन साइड सेलेक्ट टैग वी जनरली राइट ऑप्शन टैग और ऑप्शन टैग का एक एट्रीब्यूट होता है वैल्यू ये वैल्यू डेटा बेस में सेव की जाती है सो लेट्स द कंट्री नेम इज इंडिया एंड द वैल्यू इज आई एंड डी इसका मतलब अगर यूजर को इंडिया डिस्प्ले होगा और यूजर सबमिट बटन पे क्लिक करेगा देन द वैल्यू दैट विल गो टू डेटाबेस इज आई एंड डी लेट्स राइट द नेक्स्ट ऑप्शन सो सेकेंड ऑप्शन इज लेट्स ए सी एच दैट इज फॉर चाइना एंड डू वन थिंग यहां पर हम लोग एक ब्लैंक ऑप्शन भी डालेंगे जिसमें बाई डिफॉल्ट लिखा होगा सेलेक्ट कंट्री ताकि बाई डिफॉल्ट यूजर को इंडिया नजर नहीं आएगा बाय डिफॉल्ट यूजर को क्या नजर आएगा फिर इंडिया

सो आई होप इट्स क्लियर टू यू इट वॉज वेरी सिंपल टू बिल्ड ड्रॉप डाउन तो जैसे आप लोग अगर फेसबुक पे जाकर देखोगे या किसी भी ऐसी वेबसाइट पर जहां पर आजकल हम लोग जब भी डेट ऑफ बर्थ एंटर करते हैं सो देर इज अ कॉलम फॉर मंथ दैन देर इज अ डेट देन देर इज अ ईयर इस तरीके से आपको ड्रॉपडाउंस नजर आते हैं फॉर कंट्री फॉर सिटीज फॉर एनी पर्पज यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ ड्रॉपडाउंस लेट्स टॉक अबाउट पैरामीटर नेम नाउ इसके बाद हम लोग एक नेम पैरामीटर की भी बात करते हैं नेम पैरामीटर एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है हम सब लोगों के लिए वेवर वी आर जनरली टॉकिंग अबाउट दिस सर्वर साइड क्योंकि देखो अगर आप सर्वर साइड पे कोई भी चीज सर्वर पे सेंड करते हो डास में कोई भी वैल्यू सेंड करते हो सो देर इज अ नेम पैरामीटर अम पैराल विच इज रेस्पॉन्सिबल टू टेक यूर वैल्यूज टू डेटा बेस नेम पैरामीटर के अंदर हम कुछ ऐसा लिख कर आते हैं लेट्स ए यूजर नेम देन इन पासवर्ड आई एम राइटिंग द नेम इज इक्वल्स टू यूजर पासवर्ड तो ये जो यूजर नेम होगा और ये जो यूजर पी डब्ल्यू होगा PWD होगा इट विल एक्ट लाइक अ वेरिएबल ओके सो यूजर नेम एंड यूजर पीडब्ल्यू डी विल एक्ट लाइक अ वेरिएबल जिसकी वैल्यू क्या होगी इस टेक्स बॉक्स की वैल्यू वट एवर द वैल्यू ऑफ दिस टेक्स बॉक्स विल बी स्टोर्ड इन साइड दिस यूजर नेम तो अगर मैं यहां पर लिख देता हूं वैल्यू इज इक्वल्स टू राम और यहां पर हम वैल्यू लिख देते हैं पासवर्ड ऑफ राम वन टू थ्री फोर लाइक दिस तो वैल्यू इज द यूजर नेम विल बी इक्वल्स टू राम यूजर पीडब्ल्यू डी विल बी इक्वल्स टू राम वन टू थ्री फोर तो जब हम इसका डेटा बेस पर सर्वर साइड पर कोई भी कोड लिखते हैं तो यूजर की जो वैल्यूज होती हैं टेक्स्ट बॉक्स की पासवर्ड बॉक्स की जो वैल्यूज जाती वो इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर होकर जाती है सो दिस इज द एट्रीब्यूट हेयर नेम एंड दिस इज द एट्रीब्यूट वैल्यू सो बाई डिफॉल्ट हम लोग इसके अंदर अगर वैल्यू एट्रीब्यूट लिखेंगे देन द आउटपुट विल बी वहां पर एक पहले से वैल्यू एंटर्ड होगी और यहां पर भी एक पासवर्ड एंटर्ड होगा इफ यू डोंट वॉन्ट दिस थिंग देन रिमूव दिस वैल्यू सो दैट ऑन रन टाइम whatever value वैल्यू यूजर विल राइट यूजर नेम एंड यूजर पासवर्ड वेरिएबल विल पिक value पर्टिकुलर वैल्यू तो यूजर नेम और यूजर पीडब्लू डी वेरियबल के अंदर सिर्फ वही वैल्यूज आएंगी जो आप टेक्स्ट बॉक्स और पासवर्ड बॉक्स में लिखोगे नाउ आफ्टर दिस कंट्री टैग देन वी हैव रेडियो बटन जनरली रेडियो बटन आर मीन टू बी यूज फॉर यूनिक सेलेक्शन जैसे कि जेंडर इफ आई वॉन्ट टू सेलेक्ट द जेंडर एज अ मेल और फीमेल सो आई एल बी यूजिंग इनपुट टाइप Radio and in this radio, let's write a label here label for M that is male and let's write here M. Uh, sorry, the ID is ID will be equals to M because the label for and the ID must be same. Copy this, paste it here, and instead of male, let's write female and write here F now.

बिकॉज नेम वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो तो या फिर मेल होगी या फिर फीमेल होगी सो नेम मस्ट भी सेम फॉर बोथ दीज टैग्स इन दोनों का जो नेम होगा वो सेम होना चाहिए इन रेडियो बटन्स का इसका और इसका क्योंकि अगर नेम सेम नहीं होगा अलग अलग होगा तो वैल्यूज विल भी डिफरेंट बट इफ द नेम इज सेम सो जेंडर विल आईदर कंटेन दिस वैल्यू लाइक एम और जेंडर विल कंटेन दिस वैल्यू दैट इज एफ तो जेंडर की वैल्यू या तो एम होगी या फिर एफ होगी Now, you try to select the male or female. Okay, okay. So we have written M here. So it will be F. Now, you click on female, you click on male. So any one of the box will be selected. Okay, remember one thing if you will not provide this name, the problem will be that you won't be able to select anyone. इट विल सेलेक्ट बोथ ऑफ दीज ये दोनों को जाकर सेलेक्ट कर देगा अगर आपने जाकर नेम प्रोवाइड नहीं किया नाउ यू कैन सी नेम इज सेम फॉर बोथ सो दैट्स वाई वी हैव टू प्रोवाइड द सेम नेम सो द बेस्ट एग्जाम्पल इज एम सी क्यू वेन एवर यू गो फॉर दी टेस्ट आप जब भी कोई टेस्ट uh, देते हो ऑनलाइन टेस्ट देते हो सो इन फोर ऑप्शन यू कैन ऑनली सेलेक्ट वन चार में से सिर्फ एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो सो देट इज एग्जाम्पल ऑफ इनपुट टाइप रेडियो जिसमें कि चार रेडियो बटन आते हैं यू कैन सेलेक्ट ओनली वन ऑफ देम नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द फाइनल एट्रीब्यूट और द फाइनल टैग वी आर गोइंग टू सी इज चेकबॉक्स लेट्स से आई हैव रिटर्न सेलेक्ट होबी सो चेकबॉक्स इज फॉर मल्टी सेलेक्शन जब आपको एक से ज्यादा ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं देन वी कैन यूज चेकबॉक्स So, I will write input type checkbox and let's write the hobby as anyone sports here and let's copy this. So, I will just write here cricket, football, table tennis, and basketball. Okay, so now we have. फोर चेकबॉक्सेज एंड फोर लेबल्स अटैच विद दम तो अभी मैंने लेबल के अंदर नहीं लिखा है क्रिकेट फुटबॉल टेनिस को बास्केटबॉल को तो इफ यू विल ट्राई टू क्लिक हेयर इट विल नॉट सेलेक्ट दैट चेकबॉक्स तो आपको लेबल का यूटिलाइजेशन समझ आएगा कि अगर आप इस चीज को लेबल में नहीं लिखोगे तो आप टेबल टेनिस पे क्लिक करते हो चेकबॉक्स विल नॉट भी सेलेक्टेड फुटबॉल पर क्लिक करोगे इसका चेकबॉक्स सेलेक्ट नहीं होगा लेकिन जब हम मेल पे क्लिक करते हैं फीमेल पर क्लिक करते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में जो रेडियो बटन है वो सेलेक्ट हो जाता है ऑनली बिकॉज ऑफ लेबल सो दिस इज द पर्पज ऑफ लेबल तो इसीलिए आपको लेबल हमेशा लिखना है अब यहां पर क्या करना होगा यू हैव टू क्लिक ऑन चेक बॉक्स आपको स्पेसिफिक जाकर चेकबॉक्स पर ही क्लिक करना होगा आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू वर्क विद चेक चेकबॉक्स अगर आपने लेबल यूज नहीं किया तो आपको चेक बॉक्स पर चेक करना पड़ेगा सिमिलरली अगर आपने रेडियो बटन पर भी लेबल नहीं दिया होता तो आपको रेडियो बटन्स पर ही जाकर क्लिक करना होगा सो दैट्स वाई वी जनरली यूज इस लेबल टैग विद अवर इनपुट टाइप्स सो दिस वॉज दी फॉर्म एलिमेंट्स दैट वॉज इंट्रेड्यूस इन एस टी एम एल फोर जो कि हमारे काफी बेसिक एस टी एम एल एलिमेंट्स हैं हम लोगों ने एडवांस एलिमेंट नहीं देखे वी आर जस्ट लुकिंग एट दफी पुराने और बहुत यूजफुल और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जितने भी हम लोगों ने टैग देखे हैं बिकॉज ऑल दीज टै ऑल दीज एलिमेंट्स आर इन ईच एंड एवरी फॉर्म जब भी आपको रजिस्ट्रेशन लॉग इन फॉर्म फिल करते हो ईच एंड एवरी टैग विल बी अपियड देयर ये इसी तरह की चीजें आपको नजर आने वाली है हमेशा इन माई नेक्स्ट वीडियोज जब हम एस टी एम एल फाइव की बात करेंगे वेन एवर आई विल पुट दी वीडियोज ऑफ एस टीम फाइव आई विल शो यू अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर इंटरड्यूज इन एस टी एम एल फाइव ऐसे बहुत सारे नए टैग्स आपको मिलेंगे ऐसे बहुत सारे न्यू एट्रीब्यूट्स मिलेंगे जो आपके फॉर्म को अलग ही लेवल पर लेके जाते हैं दे विल टेक यूर फॉर्म टू डिफरेंट लेवल जिसमें कि जाकर आपको बहुत वैलिडेशन uh, लगाने को मिलती है जो कि हम लोगों को जाव स्क्रिप्ट से लगानी पड़ती थी विदाउट यूजिंग जावास स्क्रिप्ट वी कैन अप्लाई वेलिडेशन so in html file five we will learn those things also and let me tell you one more last parameter here that is if you want to upload your profile pic upload any file attach any file so there is a input type file so we have input type file available with us okay now you will see choose file option here now if i click on choose file it will open this box and i can choose

ओके सो इन द नेक्स्ट पार्ट विल बी स्टार्टिंग विद सी एस एस टू तो हम लोग सी एस एस बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे एंड स्लोली स्लोली विल बी मूविंग टूवर्ड्स द एडवांस लेवल ऑफ सी एस एस सो नाउ दैट्स इट फॉर द एस टी एव एल पार्ट विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर सी एस एस थैंक्स फॉर वॉचिंग